स्टार्ट किए थे आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। बट यहाँ पे ओके एवरीवन, तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे सन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट, बोर मॉडल के लिए। तो वहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे आयनाइजेशन एनर्जी, जस्ट स्टार्ट किए थे, करेक्ट ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ लिखवाया था क्या मैं? यस, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डिफिनेशन था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर मूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, ग्राउंड स्टेट टू, मैक्सिमम बोले थे या मिनिमम? मिनिमम बोले थे, यस। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इलेक्ट्रॉन को एन इक्वल टू, देखिए ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, लगता है कि ऑर्बिट इनफाइनाइट रहेगा, प्रैक्टिकली तो सेवन ही है, पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे सेवन पीरियड है, राइट। बट हाइपोथेटिकली ऑर्बिट नंबर एन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन अगर एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाने का मतलब है कि उसका न्यूक्लियस से ऑलमोस्ट अट्रैक्शन ख़त्म, अट्रैक्शन बना रहेगा या ऑलमोस्ट ख़त्म। तो एन इक्वल टू इन्फिनिटी, यस, एन इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट एटम से आउट हो चुका है, दैट्स व्हाई इसको हम नाम दे रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रोसेस क्या रहेगा? इज इट द केस ऑफ डी एक्साइटेशन या एक्साइटेशन? एक्साइटेशन। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। देन आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ए इन्फिनिटी माइनस ई वन, क्या देखिए तो मैंने सही लिखा, करेक्ट। और ए इन्फिनिटी क्या होगा एवरीवन? तो सर ए इन्फिनिटी के लिए, यस, इसका वैल्यू तो जीरो होता है ना, जीरो, और ई वन कितना? एक माइनस पहले से लगा हुआ है, राइट, माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बट एन का वैल्यू वन ना, तो माइनस माइनस बिकम्स व्हाट? प्लस 13.6 जेड स्क्वायर। तो देखिए आपसे अगर बोर मॉडल में कोई टीचर अगर पूछते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला क्या, तो उनको आंसर बताने के लिए ई इन्फिनिटी माइनस इवन बोलना है। बट हम लोग फास्ट होने के लिए अगर सही से देखेंगे तो ए क्या है भाई? आयनाइजेशन एनर्जी तो है ही, बट है क्या? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द व्हाट? इवन या इवन का मैग्नीट्यूड? इवन का। तो फास्ट होने के लिए क्या हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए क्या इसको रट्टा मार सकते हैं? ऐसे किसी को बताने के लिए ए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ए, करेक्ट ना। क्योंकि ये जो आया यहाँ देखिए, ये एक्चुअली ईवन का वैल्यू कितना होता? तो सर ईवन के लिए तो हम लोग ये लिखेंगे ना माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई वन का स्क्वायर, तो कितना है? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ई वी। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब मॉडुलस, तो बाई टेकिंग मॉडुलस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो फास्ट होने के लिए इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए आज के बाद इसको आप यूज कर सकते हैं। किसी को बताने के लिए इसको अगर इसको डायरेक्ट बताइएगा तो हो सकता है कि उनको लगे कि आपको नहीं पता है, बट हम लोग यहाँ से यहाँ आए हैं, बट बिकॉज इसका वैल्यू जीरो हो गया दैट्स वाई मैंने ये ले लिया, ठीक है। चलिए अब आंसर फास्टली आंसर बताते रहिए। हाइड्रोजन का बोर मॉडल में आयनाइजेशन एनर्जी कितना? कैलकुलेट कर लीजिए ना। और हीलियम प्लस का एवरीवन 50.5
4.4 eV. दिस वन तो हीलियम के लिए दो का स्क्वायर हो जाएगा तो 13.6 इंटू वाट 4. और लिथियम प्लस प्लस के लिए स्टूडेंट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, यस 122.4. और बेरिलियम 3 प्लस का यही काम कर रहे हैं, 13.6 जेड स्क्वायर, बस जेड स्क्वायर का वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, राइट? तो एग्जाम में ऐसे आएगा तो बन जाएगा. कितना लिखे हैं बेरिलियम 3 प्लस के लिए, 6 करेक्ट है ना? इसको हटाएं, हो गया. अब देखिए, अब आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को समझना है. मेरे पास हाइड्रोजन सैंपल है, हाइड्रोजन एटम का सैंपल है और इसमें ऑल एटम्स ग्राउंड स्टेट में है. कहाँ पे है एवरीवन? ग्राउंड स्टेट में, करेक्ट. और ये जहाँ पे रखा हुआ है, और ये पता है ना कि वन फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ वन पार्टिकल. वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जो भी रहेगा. लेकिन ये फोटोन का कैरेक्टर है जिसके साथ वन फोटोन कितना से कोलाइड करेगा. फोटोन ऐसा नहीं है कि मैं उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो थोड़ा इनको दे दिए, थोड़ा इनको दे दिए, और किसी साथ कोलाइड करेगा और हैंड ओवर करेगा तो इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी देगा. इंटायर क्वांटा ऑफ एनर्जी मतलब इंटायर पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट? तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, ग्राउंड स्टेट में है, और मैंने यहाँ पे फोटोन सप्लाई किया, इस फोटोन का एनर्जी ऑफ फोटोन मैंने रखा दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्या होगा? कॉमन से सप्लाई कीजिए तो. और मेरा एटम कहाँ पे था? ग्राउंड स्टेट में. सारे एटम किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में है, राइट? और किस फोटोन से बम्बार्डिंग करवा रहे हैं? अब एक ही फोटोन नहीं भेज रहे हैं, इतना बहुत सारा फोटोन भेज रहे हैं, बल्क में भेज रहे हैं. बट वन फोटोन तो वन एटम से ही तो कोलाइड करेगा, ऐसे कितना देकर भेज रहे हैं? क्या होगा? मेरे तरफ मत देखिए, सोचिए. नहीं, सो मेनी फोटोन्स भेज रहे हैं, हाँ. ये मैंने जो दिया है, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. और जो होगा उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम मिलेगा. तो क्या होना चाहिए? नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि वी आर सप्लाइंग मोर देन सफिशियंट फोटोन, मतलब जितना भी एटम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन सप्लाई की, मतलब हर एटम को मैंने फोटोन से कोलाइड करवा दिया. अब बताइए क्या होगा? ऐसा एक बहुत अच्छा कहानी और स्टोरी बनाए थे, याद है आप लोग को? एक मिनट, यस. ऐसा एक स्टोरी बनाए थे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे, और उसमें कहानी क्या बनाए थे? थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट? कि मान लेते हैं कि तिनियाली से गणेश दूरी जाने का कितना रहेगा, 10 रुपीज़ है, तो उससे कम देंगे तो जा ही नहीं पाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो उतना खर्च होने के बाद मेरे पास पैसा बचा रहेगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम स्टोरी एक्चुअल में जब फोटोन सप्लाई करें, एनर्जी सप्लाई करें, तो पहले देखिए कि मैंने दिया कितना, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? इलेक्ट्रॉन सारे एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ग्राउंड स्टेट, राइट? n इक्वल टू 1 पे है.
तो भाई एन इक्वल टू वन से, ये तो पता है कि सर फोटोन से कोलाइड होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है हाई एनर्जी लेवल में। यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको चाहिए कितना, जो भी चाहिएगा 10.2 E2 माइनस सी वन करेंगे, E2 माइनस जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्साइटेशन एनर्जी का नाम देंगे। बट यहाँ तक आने के लिए एक n इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था, 13.6। मतलब यहाँ अगर एट हाइड्रोजन एटम अगर वो फोटोन का एनर्जी को गेन करेगा तो इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, राइट? ऐसे मान लीजिए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कौन सा ऑर्बिट में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल। बट लगता है कि यहाँ पे कहीं रुक पाएगा, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, राइट? बट यहाँ जाते जाते आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना था 13.6, और मिनिमम रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा आपने सप्लाई कर दिया, राइट? इसका मतलब किसी क्वेश्चन में अगर कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसका आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा अगर एनर्जी का फोटोन सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो एटम से डिटैच होगा ही, बट अगर 13.6 दिए सिर्फ, कितना ओनली 30 मिनिमम था वो, तो इलेक्ट्रॉन बस यहाँ से पहुँचकर यहाँ पे आके रेस्ट में रहेगा, किस में रहेगा, बट 13.6 से अगर ज़्यादा सप्लाई कर दिए, मतलब इफ़ एनर्जी सप्लाई वाई इफ़ ऑल एटम्स वन और इफ ऑल वन इलेक्ट्रॉन एटम्स राइट प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट एंड बी सप्लाइंग द एनर्जी मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी देन रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। इस बात के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा था, रेस्ट ऑफ द एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक, करेक्ट ना? इसका मतलब मैं जानबूझकर कितना दिया था, तो आज के बाद इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, तो एक बार नोट करके लिखिए। तो इफ एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, इफ एटम्स, सब कुछ को ध्यान से लिखना है, नोट करके, इफ एटम्स आर प्रेजेंट, इफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, इफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, एंड इफ एनर्जी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इफ एनर्जी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड आर मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम एटम, देन इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम एटम विथ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विथ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट ना एवरीवन? तो इफ एनर्जी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड आर मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम, एस्केप मतलब बाहर जाना, राइट, फ्रॉम एटम विथ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इसमें दो, यहाँ देखिएगा, इफ इसका मतलब हुआ कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा, राइट? तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा कंजर्वेशन से, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो एटम से बाहर जाएगा ही, बट एन इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाने का मतलब वो ऑलरेडी एटम से डिटैच हो गया, बट वहाँ पर जाने के बाद रेस्ट में रहेगा या उसके पास कुछ एनर्जी बचा रहेगा, तो जो एनर्जी बचा रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस केस के लिए दिस वन, तो क्या यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन और माइनस वाट आयोनाइजेशन एनर्जी, देन व्हाट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो केयरफुली देखिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे इस कॉन्सेप्ट पे मैं प्रॉब्लम लूँगा, आपको असाइनमेंट मिला ना क्लास असाइनमेंट का, इसमें इस जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उस पे प्रॉब्लम रहेगा, तो वहाँ पे मैं अब दोबारा हिंट नहीं दूंगा, मैं पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हिंट दे चुका, राइट? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, कितना मैंने दिया था 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो रेस्ट जो बचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 - 13.6 हाउ मच, 1.4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ देखिएगा,
सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर ही सप्लाई करते हैं तो काइनेटिक कितना होता, जीरो हो जाता। मतलब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो एन इक्वल टू इन्फिनिटी में जाता बट वहाँ पे जाकर क्या रहेगा, रेस्ट में रहता। बट मोर देन दैट सप्लाई की जगह तो, और लेस देन दैट सप्लाई की जगह तो, सर लेस देन दैट सप्लाई की जगह तो एन इक्वल टू इन्फिनिटी में जाएगा ही नहीं, आयनाइज ही नहीं करेगा, और लोअर एन इक्वल टू इन्फिनिटी से कम के ऑर्बिट में रहेगा। तो लेस रहेगा तो देखा जाएगा क्या होगा, बट इक्वल और मोर रहेगा उसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके हाँ, आइडियल केस इन द सेंस, नहीं इस केस में आइडियल केस नहीं मानेंगे, इनका क्वेश्चन है यहाँ देखिए, आप एटम के अंदर का बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे राइट, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जा रहा था दूसरे जगह से कोलाइड कर सकता है, बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एटम के अंदर का बात कर रहे हैं राइट। बोलिए मेरे साथ, किसके अंदर बात कर रहे हैं, एटम के अंदर जाकर बात कर रहे हैं, और कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो भाई वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, तो ये अगर यहाँ से एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर जाते रहेगा, तो किसी से कोलाइड करने के लिए और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, समझे बात को। सॉरी एन इक्वल टू इन्फिनिटी रहेगा तो बोर मॉडल में तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, उसमें वन ऑफ द अजम्पशन भी है कि बोर मॉडल में टोटल ऑर्बिट कितना मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट ऑर्बिट है क्या, प्रैक्टिकली तो कम से कम अभी तक जितना एलिमेंट है 105 या उससे ज़्यादा थोड़ा हुआ होगा, तो प्रैक्टिकली एलिमेंट तो इतना ही है, बट ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन है कि इसमें ऑर्बिट कितना मानेंगे, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट मानेंगे। चलिए अब लिखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ देखिए अभी थोड़ा इसका डिफिनेशन जान जाते हैं, फिर इसका शॉर्टकट ट्रिक भी जान जाएंगे, ठीक है। लिखे पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड From rest, potential difference through which a free electron must be accelerated from what? Rest. Accelerated समझ रहा है ना? प्लेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कहीं पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले दो क्लास प्लेट का कॉन्सेप्ट दिए थे, पोएटी प्लेट एंड मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy, such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of the atom is called ionization potential of the atom, is called ionization potential of the atom। फिर से एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट कॉमा सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम।
देखिए स्टूडेंट, डिफिनेशन लिखने के लिए इस डिफिनेशन को हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ पे दो टर्म, कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और किसके लिए बात किया गया? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटेड के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड। तो कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड कब होता है? एनी निगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब मैं प्लेट पढ़ा रहा था तो वहाँ पे पढ़ाया था, राइट। बड़ा एफर्ट लगा के पढ़ाया था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड तब होगा जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के प्लेट पे जाएगा, मतलब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर निगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है, इस प्लेट का नाम ए देते हैं, इस प्लेट का नाम बी देते हैं, ओके। वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, और ये जो वैल्यू वी आएगा, ये जो वी आएगा, इसी को हम लोग क्या आगे नाम देंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या नाम देंगे? प्रोवाइडेड इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर यहाँ आएगा, कहाँ से जाकर? यहाँ से जाकर यहाँ आता है और प्लेट बी पे पहुँचते हुए उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। किसके बराबर? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो गया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट, सो दैट इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा तभी एक्सेलरेटेड रहेगा, बट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? रेस्ट। तब उस टाइम पे यहाँ तक आते हुए प्लेट बी पे जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर अगर हो गया, तो उस टाइम पे जो ये भी का वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, करेक्ट। तो ये डिफिनेशन हो गया, कोई आपको अगर डिफाइन करने के लिए बोला, सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है और डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में डिफाइंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और 1 मार्क्स का है तो शॉर्टकट में ये लिख कर नहीं ना आ जाएंगे कि राकेश सर बताए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में ई को हटा दीजिए वही आईपी होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको हटा देंगे? तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी में ई को हटाने से जो बचता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हुआ, कुछ तो एक लाइन माहौल बनाना पड़ेगा, तो डिफरेंशियल ए लिख कर आइएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, क्या ये हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए हैं। यस, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी। लिख लीजिएगा, बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? के ए प्लस यू ए इक्वल टू व्हाट? के बी प्लस यू बी, राइट। के ए कितना अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन? 0। यू ए क्या इतना लिख सकते हैं एवरीवन? एक फार्मूला तो बताए थे किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, पोटेंशियल के लिए एक फार्मूला भी था, क्यू इंटू वी चार्ज इंटू पोटेंशियल इक्वल टू के बी। अब प्लस यू बी के लिए क्या लिख सकते हैं? यस, तो के बी कितना हो जाएगा? के बी इक्वल टू सर माइनस ई वी ए, उस तरफ लेकर आइए, प्लस ई वी वी बी, लिख तो सही है। इस टर्म को इस तरफ लेकर आ गया, इस टर्म को, तो क्या बचेगा? के बी। तो क्या के बी के लिए इतना लिखा जा सकता है? कॉमन क्या लेंगे? ई ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ई। ई जब मैं लिखता हूं तो उसको आप क्या मानते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन? माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ई मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना? वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, करेक्ट। ठीक है,
इसके इसके बीच का डिफरेंस को मैं कैप बड़ा भी से इंडिकेट कर रहा हूँ यही। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर KB का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इफ KB बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वहाँ तो KB अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसके बदले दिस वन इक्वल, करेक्ट, इक्वल टू व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होता है? इवन के मैग्नीट्यूड के बराबर, हाँ या ना? और इसका वैल्यू कितना? 13.6 जेड स्क्वायर ई ई और ई को कैंसिल कर दें तो ले देकर लास्ट में बचा क्या? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि सर आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आई पी 13.6 जेड स्क्वायर भी हो गया वोल्ट, 13.6 जेड स्क्वायर। तो आज के बाद फास्ट होने के लिए कोई आई अगर पूछेगा व्हाट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी में इसको हटा देंगे तो रेस्ट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये हो गया एग्जाम में फास्ट होने के लिए, करेक्ट। बट डिफिनेशन के लिए ये था। तो आज के बाद डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो मैं खुद के आपके सेटिस्फेक्शन के लिए जो मैंने डिफाइन किया उससे डिराइव कर दिया। बट आज के लिए फास्ट होने के लिए क्या रहेगा? यहाँ देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू दिस इक्वल टू, आप यही किए ना, दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस इक्वल टू दिस बाई, तो क्या लिख सकते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई यहाँ से भाई, राइट। तो यहाँ से इसका लाभ उठाएंगे, अगर आईपी दिया रहेगा तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी निकाल जाएगा? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं आप लोग तो बोल ही रहे हो, यहाँ से भी तो बोलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा आयनाइजेशन अगर ए दिया रहेगा तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी पता चल जाएगा, या आयनाइजेशन एनर्जी दिया रहेगा तो ए निकल जाएगा, जस्ट ई से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ से आयनाइजेशन ए वैल्यू बताने के लिए दिस वैल्यू शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना? किस वोल्ट में? जूल में रहेगा, तो उस टाइम पर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर ई और ई आपस में कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है? शुड बी इन ई वी। अब यहां देखिए हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, यही था ना? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना था एवरीवन? 13.6 ईवी ना, इसका कितना रहेगा? 13.6 वोल्ट, इसका कितना था? 54.4 ईवी, तो इसका कितना रहेगा? 54 वोल्ट, इसका कितना रहेगा? 122.5 ईवी, 122.5 वोल्ट, इसका कितना होगा? 217 था ना ईवी, 217.5 वोल्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है, इस तरफ हटाया जाए। आप लोग को स्कूल ऑफलाइन हो गया या अभी ऑनलाइन ही है? 19 के बाद होगा। लिख कोई बात नहीं, अब लिखिए एक्साइटेशन इनर्जी। ओके, एक्साइटेड स्टेट कहाँ से मेजर करते हैं? मतलब अगर मैं बोलता हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब उसको मेजर कहाँ से करते हैं? ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट के बाद जितना भी स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट है, बट ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसे बोलेंगे? एन इक्वल टू इक्वल इनर्जी,
सब अपना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। मेरा तो मजबूरी है कि मैं मास्क नहीं लगा कर रख सकता हूँ, आप लोग भी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल मास्क लगा के रखें, सफोकेशन फील कर रहे हैं, बट अगर जगह, मैं तो इस क्लासरूम में अभी बैठा रहा हूँ, दैट्स वाई कि बच्चे कम हैं तो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ जाएंगे, बट थोड़ा भी अगर मुझे फील हुआ तो बड़ा क्लासरूम में क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे जब लेंगे तो अगर हो सके तो एक बेंच पे दो बैठिएगा। बहुत स्पेस है उस क्लासरूम का, स्ट्रेंथ है 120 स्टूडेंट का फुल फ्लेज में जब क्लास चलती है, तो एक बेंच पे दो ही बैठिएगा तब भी आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये बात मैं बहुत सारे बैच में बोलता हूँ लेकिन कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बच्चे के बीच में इतना अच्छा फ्रेंडशिप होता है कि वो अलग बैठते ही नहीं हैं, किताबें में बोलते रह जाऊँगा सर आज घर बैठने दीजिए, कल से अलग हो जाएंगे, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, इनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, इनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट ऑफ द एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम टू एनी अदर स्टेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट ऑफ द एटम आर कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर दैट स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी फॉर दैट स्टेट, करेक्ट ना। यहां देखेंगे एवरीवन, बढ़िया से डायग्राम बनाइए, ए एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू फोर, एन इक्वल टू फाइव, आइए इसको मान लेते हैं एन इक्वल टू एन प्लस वन एथ, क्या मानेंगे, यह एन प्लस वन एथ स्टेट, करेक्ट है ना। लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी बताने के लिए ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से मेजर करना है, ऊपर भेजना है, कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक खुद से जाएगा या एनर्जी देना पड़ेगा, नाम ही है एक्साइटेशन का प्रोसेस, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा, सब लोग यहाँ देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, बोलिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, करेक्ट ना। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उसको एक्साइटेशन एनर्जी मेजर यहाँ से करते हैं, वही मैं चेक करना चाह रहा था, कहाँ से मेजर करना है, तब हाँ यहाँ से यहाँ तक जाने को प्रोसेस को आप एक्साइटेशन का प्रोसेस बोल सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ एक्साइटेशन, बट एक्साइटेशन एनर्जी कौन सा स्टेट का कितना होगा उसको मेजर, दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ एक्साइटेशन, बट इसको जो टेक्निकली जो हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी निकालेंगे तो उसको, या किसी भी स्टेट का थर्ड ऑर्बिट का एक्साइटेशन एनर्जी क्या बोला जाएगा, व्हाट द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो मैंने तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट तो बोला, बट ये मैंने बोला कि कहाँ से आएगा, या व्हाट द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ टेंथ ऑर्बिट, कौन सा, तो टेंथ ऑर्बिट का एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहे हैं, बट कहाँ से जंप करेगा वो तो नहीं बताया, तो रिफरेंस कहाँ से लेना है, ग्राउंड स्टेट से लेना है, करेक्ट ना। इसलिए इसको क्या बोलिएगा, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। इसको क्या बोलेंगे एवरीवन, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, इसको क्या बोलिएगा, फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी, और इसे क्या बोलेंगे, एन प्लस वन एथ, एन एथ एक्साइटेशन एनर्जी। यहाँ पे ऑर्बिट नंबर दो था जो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट, इसका तीन था तो क्या बोल रहे हैं, सेकेंड एक्साइटेशन, तो एन प्लस वन एथ रहेगा तो क्या बोलेंगे, अगर ऑर्बिट नंबर एन प्लस वन रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे एन एथ एक्साइटेशन एनर्जी, जितना ऑर्बिट नंबर उससे एक कम, जितना ऑर्बिट नंबर उससे एक, समझे नहीं समझे, ये कौन सा था, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी।
एक कौन सा था एवरीवन? सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी. एक कौन सा था? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी. और एक कौन सा है? एनएफ एक्साइटेशन एनर्जी. करेक्ट ना? तो सर एनएथ एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला अगर बनाना हो, एनएथ एक्साइटेशन एनर्जी, तो क्या रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या रहेगा? यहां से यहां तक भेजना है, राइट? यहां से यहां तक भेजना है, और यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर यहां तक भेजेंगे तो खुद से तो जाएगा नहीं स्टूडेंट, बाई मीन्स ऑफ फोटोन भेजना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. तो एनर्जी सप्लाई किसके थ्रू करेंगे? फोटोन, राइट? इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, व्हाट द एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन सो दैट इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम ऑर्बिट नंबर वन टू ऑर्बिट नंबर एन प्लस वन, तो ऑर्बिट नंबर वन से ऑर्बिट नंबर एन प्लस वन तक जाने के लिए, तो सर इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा उतना ही होना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब है कि एनथ एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू क्या है? लिख सकते हैं ई एन प्लस वन माइनस ई वन, हाँ या ना? करेक्ट. अब यहाँ पे अगर यहाँ देखिएगा, एनथ बोला हो ना, क्या बोले हैं? तो यहाँ पे एन का वैल्यू वन, तो क्या पढ़िएगा? फर्स्ट, राइट? तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू व्हाट? ई टू माइनस ई वन. अगर एन का वैल्यू यहाँ पर टू, तब क्या पढ़ेंगे? सेकेंड. तब यहां पे क्या लिखेगा? ई थ्री माइनस. समझ में आ गया? ठीक है. चलिए इस डायग्राम को हटाया जाए. यहाँ देखेंगे सब लोग, ये हो गया ना? अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन प्रॉब्लम में इस तरीके से लिखा रहेगा. एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट. और एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग है या सेम मीनिंग है? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट, मतलब ऑर्बिट नंबर टू का बात कर रहा हूँ, और ऑर्बिट नंबर टू का ही नाम तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है. ऑर्बिट नंबर टू बोलें या उसी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलें, अलग सेंस जाएगा या सेम सेंस? तो क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, आप लोग पकड़ लीजिएगा, ओके. और इसी को अगर ऐसे बोला रहे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? वन से टू पे. इसका मतलब कहां से कहां जा रहा है? वन से टू पे. इसका मतलब भी कहां से कहां जा रहा है? वन से. तो तीनों सेंटेंस का अलग मीनिंग रहेगा या सेम मीनिंग रहेगा? कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है? लिख लीजिए. आप लोग समझ गए? ओके. एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल, फाइंड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस. कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? फाइंड सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस.
सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस का मतलब कौन सा वैल्यू? वेरी गुड, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस मतलब E3 - E1, राइट? पकड़, इस बात को तो पकड़ लिया था ना? और ये अब निकल जाएगा, इस बात, ये बात समझ में आ गया? कहीं पे डाउट? कितना? 13.6 जेड स्क्वायर बाई 9, करेक्ट, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1, करेक्ट। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जो कॉमन है उसको कॉमन को बाहर ले लीजिए सर, 13.6 जेड स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, राइट? कितना? 1 - 1/9, इज इट राइट? और 13.6 जेड स्क्वायर कितना होगा? तो सर एक काम कीजिए, एक मिनट, 13.6 और जेड स्क्वायर का वैल्यू 9 लिख दें। हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, कैलकुलेशन एकदम फास्ट रहना है। यहाँ तक आ गए, इसके बाद ये 2 सेकंड का काम था, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि फिर लेके, अच्छा जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ओके, ये तो बड़ी बहुत बढ़िया है, 9 9 कैंसिल होगा। अजी हीलियम प्लस बोले थे क्या? ओहो सॉरी सॉरी, बोलना चाहिए ना। ओके ओके, मुझे लगा लिथियम प्लस है, सॉरी 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 स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? 8/9। कैलकुलेशन कर लीजिएगा ऑफलाइन के बच्चे, अभी तक तो आप लोग मोबाइल से काम चला रहे थे, अभी तो यहाँ पे ही करना पड़ेगा कैलकुलेशन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ पे ही टाइम बचा सकते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत फास्ट होना पड़ेगा, करेक्ट एंड फास्ट। थर्टीन पॉइंट सिक्स से तो ज़्यादा ही रहेगा ना, ये वैल्यू ही कितना रहेगा? ये वैल्यू ही 3 से ज़्यादा रहेगा, राइट? फिफ्टी वन पॉइंट टू। देखिए यहाँ के बाद तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, ये तो काम हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, राइट? हो जाएगा? यहाँ देखिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल, करेक्ट। अच्छा इस असाइनमेंट में मैं आपको 20 प्रॉब्लम का टिक लगाया था, उसमें से मोटा मोटी सारा प्रॉब्लम आपसे बन जाना चाहिए था। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि मैंने बोल क्या रहा हूँ, पता है? 10 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का, 10 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज, उस क्वेश्चन को मैं माइनस करके चलूँगा, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन था, रेडियस निकालना था, एनर्जी निकालना था, तो बन गया होगा, राइट? ओके देखिए सर, एक्साइटेशन पोटेंशियल का डिटो वही डिफिनेशन होगा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का था। क्या डिफिनेशन होगा? बट सिर्फ इसमें करना क्या है, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी था वहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या था, जरा एक बार डिफिनेशन पढ़े तो। पोटेंशियल डिफरेंस अप राइट थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू, तो वहाँ पे क्या लिख देना है, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल टू, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेड। क्या खुद से डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं? लिखिए डिफरेंस खुद से, लिखिए, लिखवाना पड़ेगा ऑनलाइन स्टूडेंट या लिख लेंगे?
और यहाँ देखेंगे क्या लास्ट में दिस इक्वल टू दिस कर सकते हैं, लास्ट में वहाँ पर डिराइव करने के बाद दिस इक्वल टू आयनसन एनर्जी आया था, यहाँ पे क्या रहेगा के वी इक्वल टू वाट एक्साइटेशन, और ए इतना आया था नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ रहे थे आयनसन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या था, क्या दोबारा डिराइव करने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा, दिस इंटू दिस इक्वल टू वाट एक्साइटेशन इनर्जी, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी में कितना से डिवाइड करेंगे तो एक्साइटेशन पोटेंशियल मिल जाएगा इसे, बट जब डिवाइड करेंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी का वैल्यू किस में पकड़ के रखना है, ई वी में, दिस वैल्यू शुड बी इन व्हाट, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे तो याद रहेगा ही कि मैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लूँगा, ये पता है ना कि एक्साइटेज आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या रेडियस ये सब हम लोग को पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, राइट। बट इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ, यहाँ देखिए तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलिए भाई दो ना, हीलियम प्लस में एक, हीलियम में कितना, कितना इलेक्ट्रॉन आउट किए, वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खुद से तो आउट होगा नहीं, और हम लोग क्यों कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ये वाला केस पढ़ रहे हैं या ये वाला केस पढ़ रहे हैं, बोर मॉडल में ये केस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट, हीलियम प्लस के लिए, करेक्ट। बट एक्चुअल में जब वहाँ पे पढ़ते रहेंगे तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, क्या बोलेंगे, करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे हीलियम प्लस के लिए आयोनाइजेशन सेकेंड, बोर मॉडल में जो मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हीलियम का एक्चुअली सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, रियलिटी में क्या है, फर्स्ट है या सेकेंड है, सेकेंड है, करेक्ट। और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, राइट, तो ए और ए आपस में कैंसिल हो गया, तो हीलियम कन्वर्टेड टू व्हाट, हीलियम प्लस प्लस, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सर क्या होगा, तो सर यहाँ पे सब बाद में इसको पढ़ेंगे, टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या पढ़ेंगे, नेट आयोनाइजेशन एनर्जी, और नहीं लगता कि नेट आयोनाइजेशन एनर्जी सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दिस शुड बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट अब प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। तो स्टूडेंट बहुत सारा क्वेश्चन को बहुत अलग ट्रिक से मिक्स कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपका आईक्यू लेवल काम करना चाहिए, ठीक है, आप चीज़ों को कैसे कैच करते हैं, या उस टाइप का प्रॉब्लम अगर एक बार कहीं पे देख लिए तो कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, जिसको क्या होगा क्वेश्चन, देखिए आप में से कुछ ना कुछ तो पक्का स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे होंगे, अदरवाइज मैं जब ऑफिशियली जब इस टॉपिक को एंड करूंगा तब खुद बोल दूंगा कि हाँ आईटी क्वेश्चन बैंक या नीट का क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर सकते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के साथ के 95% तो पक्का आपसे बन जाएगा। बट तो उसमें क्वेश्चन बैंक में देखिए कि 80% क्वेश्चन एक जनरल ट्रेंड रहता है हर साल का, जैसे पढ़ लिए रेडियस निकालने का फॉर्मूला उस टाइप का आ जाएगा, तो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 75 क्वेश्चन अगर जेई मेन का है
तो 75 में से 30 या 40 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि सब लोग बना सकता है, जो भी थोड़ा बहुत एकदम सही से कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो, दो साल पढ़ा है तो, दिखाने के लिए नहीं, सच में पढ़ा है, मतलब एक एक क्लास करेक्टली से कर रहा है, एक एक असाइनमेंट का कम से कम असाइनमेंट का 70% भी लगा रहा है, क्वेश्चन बैंक फॉलो किया है, बस कंटिन्यूटी को मेंटेन किया हुआ है। और कंटिन्यूटी मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि स्कूल का एग्ज़ाम सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये होता है, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, जैसे ही क्लास 12th में आते हैं और क्लास 12th का जब अक्टूबर आता है राइट, तो अक्टूबर के बाद एक अलग हवा चल जाता है गुवाहाटी में बोर्ड का, समझे। तो जितना भी 2 साल से मैंने एकदम बहुत होप हो जाता है ना टीचर को कि अच्छा स्टूडेंट है, रिजल्ट हो जाएगा, नाम होगा राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो कौन से किस कैटेगरी के बच्चे बैलेंस नहीं करते होंगे, जो पहले ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, अब बाद में जाकर उनको बहुत प्रेशर आ गया, जो स्टूडेंट अभी से सारा क्वेश्चन को बनाते हुए चल रहा है, जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है उस पर स्टार लगा के रख रहा है, फिल्टर करके एकदम मैनेज करके सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वे में, तो उसको प्रेशर नहीं रहेगा, उसको तो सारा काम किया हुआ है, प्रॉब्लम बना के एकदम नोटबुक में रखे हुए हैं, बस प्रॉब्लम को बाद में जेई मेन के टाइम पर देख लेगा। जेई मेन के 2 महीना बचेगा तो क्या आपको सारा प्रॉब्लम बनाने का टाइम रहेगा दोबारा, तो फिर उस टाइम पर स्मार्टली क्या काम कीजिएगा, जितना HCB बनवा का प्रॉब्लम बनाया हुआ है, कैटलिस्ट का बनाया हुआ है, सब सारे बनाए हुए क्वेश्चन को पोषण लेंगे, एकदम सोल्यूशन देखते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या सोचा था, यहाँ पे सर ने क्या बोला था, सब वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से फास्टली रिवीजन हो जाएगा। हम लोग भूलते नहीं हैं, बस लगता है कि क्लाउडी हो गया है, रिवीजन करते ही सब कुछ नया हो जाएगा, तो मैनेज करके चलते रहना है। इसलिए जो भी आप काम करते हो उसको एकदम बचा के और सजा के रखना है सिस्टमेटिक वे में, यानी कि कहीं पे क्वेश्चन अच्छा इस कॉपी में मैथ क्वेश्चन में केमिस्ट्री लिख दे रहे हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन में फिजिक्स लिख दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा, खोज रहे हैं, तो रैंडम हो गया, ठीक है, ओके। तो देखिए एक्चुअल में मुझे इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे आपको भी मिल जाएगा, क्वेश्चन एक दिया हुआ था, लेट अस सपोज एक मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, टोटल आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज लेट अस सपोज 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं कोई वैल्यू कोई किताब का डेटा नहीं ले रहा हूँ, मैं रैंडम एक सेट कर दिया राइट, देन फाइंड आउट आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, देन फाइंड आउट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, देखिए जो भी एग्जामिनर बिना कुछ सोचे हुए इस क्वेश्चन को सेट कर रहा है तो उसके माइंड में ये होगा कि सर टोटल आयनाइजेशन एनर्जी है कितना, आयनाइजेशन एनर्जी टोटल 80 है, तो इसके लिए तो हम लोग को लिख हीलियम के लिए फर्स्ट लिखेंगे प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, एग्री ना, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इक्वेशन है दो अननोन सॉल्व होता, पर वो इनडायरेक्टली उसको पता है कि जैसे हीलियम हीलियम प्लस बन जाएगा तो बोर मॉडल जैसा होगा, कैसा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो आप खुद से निकाल सकते हैं, समझे नहीं सब इसमें क्या ट्रिक था, यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से यहाँ एक क्या बन गया, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का तो आयनाइजेशन आपको पता रहेगा, निकाल पाएंगे राइट, तो इसका हम लोग को वैल्यू पता है, ये जो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्चुअली बोर मॉडल का क्वेश्चन बना हुआ है राइट, तो क्या यहाँ से फर्स्ट का निकल जाएगा कितना, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड कितना होगा स्टूडेंट, तो जस्ट लाइक बोर मॉडल, जस्ट लाइक व्हाट, यस बोर मॉडल से निकल जाएगा कितना 54.4, समझे इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक था, एक कोई यहाँ पे आपको बताएगा नहीं कैसे पहचानना था, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, जो भी डिफरेंस रहेगा दिस इज द आंसर राइट। इसको हटाएं, हाँ देखिए
हम लोग लिथियम का निकाले ही नहीं है बोर मॉडल में, नहीं समझे आप? लिथियम का निकाले हैं या लिथियम प्लस प्लस का? लिथियम का तो ये होगा, लिथियम के लिए सही से देखिएगा। और दूसरी बात है कि लिथियम का फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड नहीं करेंगे, नहीं समझे? सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 11 का 11 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है? ऐसा होता है अर्थ पे, पॉसिबल नहीं है। किसी भी एटम से में अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो जनरली कौन सा इलेक्ट्रॉन को, जनरली कौन सा इलेक्ट्रॉन को आउट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल नहीं सर, कोर इलेक्ट्रॉन को भी आउट कर देंगे। मतलब सोडियम में बिल्कुल, समझते हैं कितना भयानक बात बोल रहे हैं, कितना भयानक बात बोल रहे हैं सर, कमाल कर देंगे। 11 प्लस, इसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट? या स्टार में पॉसिबल है। तो इस टाइप का सिचुएशन होने के लिए, जैसे यहाँ देखिए, आप एक टर्म सुने फ्यूजन, एक होता है फीजन। तो न्यूक्लियस का फीजन होता है, अर्थ पे पॉसिबल है, क्या होता है? फीजन। जितना भी हम बोलते हैं एटम बम, परमाणु बम, राइट? तो उसमें, उस प्रोसेस में होगा क्या? जनरल उसमें हम लोग फ्यूजन कर जाते हैं यूरेनियम वगैरह या जो भी रहेगा। तो हेवी न्यूक्लियस कौन सा, बस इसको लिखिएगा, नहीं यहाँ काम नहीं है। बायोकेमिस्ट्री तो पक्का जानते होंगे, अमीबा कितना सेल का? 1 सेल का। अब पता है ना कि 1 अमीबा 2 अमीबा बन जाता है ब्रेक होकर, यस। वैसे ही 1 न्यूक्लियस कन्वर्टेड टू व्हाट? देखिए पहले एक न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, बाद में ब्रेक हो सकता है, दिस इज कॉल्ड फीजन। ये पढ़ाएंगे क्लास 12th में, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना है। बाद में जब फीजन होने रहता है तो 1 न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियस, करेक्ट? अब 2 न्यूक्लियस में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन या फीजन? और हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन टूगेदर, एक मिनट रुकिए, तो मॉलिक्यूल तो हो सकता है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, अब बॉन्ड नहीं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस अटैच हो गया। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अगर कंबाइन हो गया, नाउ इट बिकम्स हीलियम का न्यूक्लियस, राइट? तो जनरली वो सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है? सन में हो रहा है, स्टार में हो रहा है। ऐसा क्यों? तो बाद में आपको इस पर प्रॉब्लम करवा दूंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या कहीं पर आएगा। तो उसके लिए टेम्परेचर का ऑर्डर इतना चाहिए, किस ऑर्डर में? 10^6 केल्विन का। जब जोड़िए तो कितना होता है? 10^5 भी हो गया, कितना? 100,000 ना, 6 मतलब 10 लाख केल्विन। 10 लाख केल्विन को समझ में आ रहा है कितना केल्विन है? समझते हैं, इतना टेम्परेचर पे अर्थ भी मेल्ट कर जाएगा। कुछ लोग नहीं, अर्थ कैसे मेल्ट करेगा भाई, अर्थ भी तो एलिमेंट से ही बना हुआ है, सबका एक मेल्टिंग पॉइंट है, राइट? कुछ लोग देखते हैं अच्छा ईंट बालू ये सब सोचते होंगे, भाई वो भी सिलिका है, इसी से ग्लास बनता है, सिलिका से क्या बनता है? ग्लास। फैक्ट्री में वो भी तो मेल्ट करता होगा, पानी के जैसा मेल्ट कर जाता है, ठीक है, 4000-5000 डिग्री पे, 6000 डिग्री पे, और उसको भी हम लोग ढाल के क्या बनाते हैं? ग्लास बनाते हैं, राइट? इसका सबका अर्थ में जितना भी एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। तो 1 करोड़ टेम्परेचर कर दीजिएगा, 1 करोड़ डिग्री सी मेल्ट कर जाएगा भाई। दिस इज द रीजन कि जितना भी पूरे वर्ल्ड में एटम बम है, जस्ट इमेजिन टैचुड ऐसा ना हो। एक बार हो चुका था हिरोशिमा, राइट? भाई खिड़की का ये जो ग्रिल देखते ना लोहे का, मेल्ट कर गया था, आदमी तो छोड़िए, उसमें आपको पता भी चलेगा तो सर कितना डर लगेगा। आपको उतना टाइम ही नहीं रहेगा डरने का, डरने का टाइम रहेगा मिनट काफ़ी है। डर कब लगता है? जब आप सबको सेंस है, जब सेंस ही नहीं है तो फिर डर किस बात का है? कितना ज़्यादा एटम बम है कि सारा अगर एक साथ अगर ब्लास्ट कर दिया जाएगा तो अर्थ ही मेल्ट कर जाएगा, इतना सब लोग बना चुके हैं। अब उसका सर तो यूज़ क्या है? उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ तो हो ही रहा है, एटम बम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है परमाणु रिएक्टर में, तो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज ये है। चलिए अब लिखिए बाइंडिंग एनर्जी,
बाइंडिंग। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में समझते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर एनी स्टेट टू एन इक्वल टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, आर कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। और सेपरेशन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी का ही दूसरा नाम है सेपरेशन एनर्जी। किसका सेपरेशन? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन अगर एन इक्वल टू इन्फिनिटी में चला गया मतलब ऑलमोस्ट उस ऑर्बिट से आउट हो गया, राइट? उस एटम से ही आउट हो गया है। ध्यान से देखना है, और बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा नाम क्या रहेगा एवरीवन? सेपरेशन एनर्जी। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये है ऑर्बिट नंबर वन, ये है ऑर्बिट नंबर टू, ये है ऑर्बिट नंबर थ्री, ये है ऑर्बिट नंबर फोर, और इसको मान लेते हैं ऑर्बिट नंबर एन, करेक्ट? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, कहाँ से कहाँ तक? इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा? मे और मे नॉट, समटाइम्स इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑर्बिट नंबर फोर में भी तो रह सकता है। तो ऑर्बिट नंबर फोर में है और फोर से डायरेक्ट इन्फिनिटी में भेज देंगे, तो जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उसी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट। यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ विच स्टेट? फोर्थ स्टेट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला गया देन, बोलिए स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया देन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट। ओके, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक चला गया तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट, राइट? बट कॉन्सिडेंस हो गया, विच वन इज मोर जनरलाइज, आयनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी डिफाइंड फॉर ईच ऑर्बिट, बट आयनाइजेशन एनर्जी इज अ स्पेशल। इसका तो क्या बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज अ स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? विच वन इज मोर जनरलाइज? बाइंडिंग एनर्जी। तो जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट बोल रहे हैं तो वही क्या बन गया? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो एक लाइन लिख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कब आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगा? व्हेन एन इक्वल टू वन, व्हेन एन इक्वल टू, लिख लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द स्पेशल केस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी व्हेन एन इक्वल टू वन। वह स्पेशल केस क्या है? जब ऑर्बिट नंबर कितना रहेगा? वन रहेगा। तो भाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth स्टेट क्या होगा? ए इन्फिनिटी माइनस एन, करेक्ट? ए इन्फिनिटी माइनस बोलेंगे तो ये फास्ट रहने के लिए कुछ और सोचेंगे, बट लिखेंगे सबसे पहले दिस वन, करेक्ट? इसका वैल्यू कितना? जीरो। इसका वैल्यू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, राइट? अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस। थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। स्टूडेंट, फास्ट होने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ?
आज के बाद किसी भी स्टेट का बाइनरी एनर्जी का वैल्यू के लिए उस स्टेट का टोटल एनर्जी का मॉडुलस ले लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ दैट स्टेट फास्ट होने के लिए। अल्टीमेटली आया तो वही है ना, ए फास्ट होने। जैसे मुझे अगर कोई पूछेगा आज के बाद बाइनरी एनर्जी ऑफ फिफ्थ स्टेट, तो मैं E5 का मॉडुलस बता दूंगा। आया कितना है, उसका मॉडुलस ही है, राइट? क्या होता है तो ये बोलेंगे। एग्जाम के लिए मैं क्या याद रखूंगा, याद रखूंगा, करेक्ट है ना। चलिए ठीक है एवरीवन, चलिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यहाँ पे डिफाइन किया गया कि ठीक है यहाँ से ये इसके साथ कितना एनर्जी से जुड़ा हुआ था, कितना एनर्जी प्रोवाइड करें कि इसका इसके साथ जो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ है वो ब्रेक हो जाए, राइट? तो यहाँ पे अगर है तो ये ऑब्वियसली अट्रैक्शन के फोर्स से जुड़ा हुआ है। किस फोर्स से? अट्रैक्शन के फोर्स से। तो यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट? बार मैग्नेट यहाँ पे इसको एकदम ऐसे करके रखे हुए, अब सेपरेट करना है भाई। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, अब इसको सेपरेट करने के लिए, कम्प्लीटली सेपरेट करने के लिए खुद से होगा नहीं? आपको करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, काम करेंगे इस पर, उसके अट्रैक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो अट्रैक्शन मतलब इसके पास एक एनर्जी, अट्रैक्शन का एनर्जी रहा होगा, तो आप जितना अमाउंट से काम करेंगे वही इसका बाइंडिंग एनर्जी रहा होगा। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से डिवाइन किया गया है। मतलब तो बंधा हुआ था, उसी को हम लोग डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। बट एक टेक्निकली इसको डिफाइन किया गया है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उस बाइंडिंग फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उसी को डिफाइन कर दिया गया बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए? ओके एवरीवन, सब लोग असाइनमेंट निकालिएगा, एक्सरसाइज सेकंड। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 7 का, सॉरी सेकंड का, एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 34। एक मिनट, उसमें थोड़ा करेक्ट कीजिए, 13.5 को 13.6 कर दीजिए। 13.5 को क्या कर देना है? एक्सरसाइज सेकंड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। कैसे नंबरिंग गलत हो गया, खोले कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज सेकंड का, अच्छा आपके आप लोगों को कौन सा दिया गया है, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको क्या भेजा गया है, क्या हेडिंग है? बोर मॉडल ही ना, एक ही बात, कोई बात नहीं है। आप एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 17, और उसमें पहले करेक्शन कीजिए, 13.5 की जगह पर 13.6। नाउ सॉल्व, सॉल्व कीजिए।
अच्छा स्टूडेंट, इसका क्या मीनिंग है आइडेंटिफाई द सैंपल? व्हाट द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई द सैंपल? देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सैंपल? सर जेड का वैल्यू निकल जाएगा तो सैंपल पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई भाई क्वेश्चन में चाहिए क्या वो तो जानना पड़ेगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई द सैंपल? आइडेंटिफाई द सैंपल का मतलब हाइड्रोजन है या हीलियम प्लस है या लिथियम प्लस प्लस है, कैसे पता चलेगा? जेड से। तो आइडेंटिफाई द सैंपल का मतलब आज के बाद क्या निकालना है? जेड। अब बाकी आप सॉल्व कीजिए। कुछ स्टूडेंट सोच लिए होंगे सर हाइड्रोजन ही है। भाई हाइड्रोजन लाइक सिस्टम बोला गया है, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट? क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोले? जेड का वैल्यू कितना आया है? पहले सब लोग खुद से ट्राई कीजिए और सब लोग अपना अपना सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन समझ पाए? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब थर्ड एनर्जी स्टेट का, वहाँ पर मिस्टेक कर गए होंगे शायद, राइट? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड ऑर्बिट में। इसमें कौन कौन लोग मिस्टेक कर गए हैं ऑनेस्टली बताना है। यस, यही तो पकड़ना है क्वेश्चन में। जो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है एवरीवन, वो इसका दिया हुआ था थर्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट का। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट का बाइंडिंग एनर्जी? थर्ड ऑर्बिट का, समझ गए? इन्फिनिटी माइनस E3 करना था, नहीं? और कितना था? 13.6 ना, तो 0 माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, करेक्ट? माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एक कैंसिल हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, देन जेड इक्वल टू व्हाट? 3, मतलब और एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब कौन सा सैंपल है? लिथियम नहीं बोलना है, मार्क्स कट जाएगा, लिथियम 2+, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन में क्या लिखना है? यस, पहला क्वेश्चन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल।
अब जेड पता चल गया तो आंसर ये निकल जाएगा कितना, इन्फिनिटी माइनस ई वन, इन्फिनिटी कितना जीरो होगा राइट, और ई वन कितना माइनस 13.6 ऐसा लिख देंगे एग्जाम में। जेड स्क्वायर नाइन कर दें भाई वन का स्क्वायर, बाकी तो कैलकुलेट करेंगे तो 122 था ना, यस वेरी गुड। थर्ड क्या था स्टूडेंट, इनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड एक्साइज स्टेट। भाई ये ओरिजिनल लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से आपने क्या समझा? देखिए ऐसे तो मुझे सही से अगर लिखना चाहिए था, मुझे नहीं जो भी एक क्वेश्चन को सेट किए हैं उनको लिखना चाहिए था ताकि बच्चे थोड़ा कम कन्फ्यूज करें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट राइट, बट यहाँ पर नहीं था, थोड़ा सा पजल होगा। सेकेंड क्या, सेकेंड ऑर्बिट है या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब लास्ट में जो रहेगा उसी वही दोनों को मान लेंगे लैंग्वेज में सेंटेंस में राइट। भाई आप लोग मुझसे ज़्यादा इंग्लिश अच्छे से समझते हो तो आप लोग क्या समझ रहे हो वो बोलना है, वही मैं पूछ रहा हूँ। थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट राइट, मतलब वो सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट करेक्ट ना, खुद से जाएगा एनर्जी देना पड़ेगा एंड दैट एनर्जी सप्लाई बाय मीन्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। इसका मतलब है सर एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू ई फोर माइनस ई थ्री इज इट राइट, और जब सैंपल पता चल गया तो क्या ई फोर और ई थ्री निकल जाएगा क्या? इसके लिए ये लिख सकते हैं माइनस 13.6 जेड स्क्वायर के बदले 9 लिख लें, 22 16 ठीक है, माइनस 13.6 इंटू 9 बाई 9, जो भी इसमें कॉमन रहता है उसको कॉमन को बाहर ले लीजिए, 9 से 9 कैंसिल कीजिए, 13.6 को बाहर लेते हैं, 13.6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट सर 1 माइनस 9 बाई 16, देख तो सही है, तो 16 माइनस 9 कितना 7 7, तो 13.6 इंटू 7 बाई 16 यही तो आंसर होगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ व्हाट, फोटोन करेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। व्हाट द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, या सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट कैसे सॉल्व कीजिएगा? अच्छा सर एक फार्मूला तो ये भी है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू व्हाट बोलिए, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर करेक्ट। इसका वैल्यू कितना 9 ना, तो 9r यहाँ पे कितना लिखे एवरीवन, एलसीएम लीजिए भाई क्या प्रॉब्लम है, 3 बाई 4 इस एक दिन इसी का प्रैक्टिस कीजिएगा, जो हम लोग लेते थे ना एलसीएम क्या था फुल फॉर्म एलसीएम का, यस एचसीएफ, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सब का प्रैक्टिस हाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं इसी में हम लोग स्लो हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा है। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर कोई शॉर्टकट है, सबसे शॉर्टकट तो है मोबाइल का, लेकिन जो अलाउ नहीं है क्योंकि मोबाइल आज के डेट में अलाउ कर दिया जाएगा तो सब लोग टॉप कर जाएंगे, दे आर वेरी स्मार्ट राइट। देखते ना न्यूज में पढ़ते हैं कितना खतरनाक दिमाग सब लगा लेता है, लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा बोलिए, 4 बाई 27 यहाँ पे हम लोग फास्ट हैं, 1 बाई आर का वैल्यू रटे हुए हैं 91 नैनोमीटर राइट, मोटा मोटी 91 पॉइंट कुछ क्या था कुछ था, यस तो नहीं था सर, ये वैल्यू रटने से भी हम लोग थोड़ा फास्ट हो गए हैं 91.1 नैनोमीटर। कभी कभी कुछ रट्टा मारना भी काम में आ जाएगा, नहीं तो हर बार 1 बाई आर निकालना पड़ता, तो जहाँ पे ऐसे बार बार आए ना उसको रट ही जाएंगे, जस्ट लाइक ए कौन सा है
एच इन टू सी, यस। वैसा मैं बहुत सारा डेटा खुद के टाइम पर रटा था, जो बार बार आ रहा था उसको रट जाते थे, टाइम बच गया। ठीक है, कुछ तो डिफरेंट करेंगे दूसरे से। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, बट इसमें सबसे ट्रिकी क्या था, सैंपल पता चल गया, सब कैलकुलेट हो गया। दूसरी बात, लैंग्वेज पकड़ना, राइट। मतलब इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा है आप लोग का, मैं इस पर डाउन नहीं दूंगा, बट फिर भी अच्छा होना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ कर जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आज ही घर पर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 18 में आज घर पे जाकर इस पर कम से कम, अच्छा आज तो आप लोग क्लास भी है ना, ओके। तो आर के सर क्लास के बाद आराम से ट्राई कीजिएगा, अभी घर पे जाइए। आज के इतना ही, थैंक यू।